लेकर आ रहे जनपद के विकास खंड क्षेत्र खीरो की ग्राम पंचायत अजीतपुर पहुंच चुके हैं। यहां पर ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया कि जो एक तरफ शासन द्वारा जो एक कोरोना महामारी वायरस चल रहा है, कोरोना महामारी वायरस से इस संबंध में शासन द्वारा साफ सुथरा और स्वच्छता मिशन के एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा एक मिशन चलाकर कि साफ सुथरा और बीमारी से दूर होने चाहिए, इसी कड़ी को रखते हुए आप इस समय आप देख सकते हैं, इस समय ये मार्ग है, ये खड़ंजा मार्ग है, खड़ंजा ये अजीतपुर गांव के लिए अंदर के लिए जा रहा है, परंतु आप देख सकते हैं यहीं पर अपने साथी दिखाएंगे कि ये पानी किस तरह भरा हुआ है, ये जल ये गंदा दूषित पानी भरा हुआ जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है लोगों में। कई बार यहाँ एक सूत्रों के द्वारा जानकारी ये मिली है कि ग्रामीणों ने कई बार उप जिलाधिकारी लालगंज को तहरीर देते हुए मतलब ये नाली बनवाने के लिए एक व्यवस्था के लिए उन्होंने ये कानूनी कार्रवाई किया, परंतु आज तक उप जिलाधिकारी या कोई उच्च अधिकारी लोगों ने आज तक इस नाली बनवाने के लिए किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है, परंतु आप दूषित पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। इस कड़ी के साथ मैं यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, मैं उन ग्रामीणों से जानना चाहते हैं इस मामले में क्या व्यवस्था है, ये शासन की ग्राम पंचायत द्वारा ये बदला चाहिए कि कैसे। सर जी आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? अजीतपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, दसियों बार हो चुका है, ये गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है पूरा, मतलब पूरे गांव में, यहाँ रोड है ये, मतलब चार गांव के आदमी भी आते हैं, वो गाली भी देते हैं कि कैसा गांव है, आदर्श गांव था कभी, क्रांति बात काला है, बच्चों की तबियत खराब होता है, वायरस चल रहा है, मैंने यहाँ तहसील कदम से दो तीन बार दे चुका हूँ एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इस संबंध में कितने एप्लीकेशन कहाँ पर आप दिए हैं कार्रवाई के लिए? तहसील में दिए हैं। सर कोई अधिकारी यहाँ तो पहुँचे नहीं? एक बार आए हैं। एक बार आए? हाँ, देख सुन के वापस चले गए। कार्रवाई कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बढ़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अरे भाई इस गांव के निवासी अजीतपुर के ही निवासी हैं, इन्होंने बताया कि कई बार उप जिलाधिकारी लालगंज को तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि ये गंदा पानी यहाँ दूषित पानी भर रहता है, गांव में बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 की खबरों के लेटेस्ट खबरों के साथ बने रही है यशके कुशवाहा तहसील संवाददाता रायबरेली। नाम है आपका? महेश कुमार नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? गाँव अजीतपुर। इसमें कहाँ पर खड़े हुए आप? इसमें प्राइमरी स्कूल अजीतपुर में खड़े हुए हैं। समस्या क्या है आपको? समस्या यही नाली का है, दोनों तरफ रोड भी है, नाली भी निकल नहीं रही है, सरकार भी कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, प्रधान भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, प्रशासन भी कोई नहीं कर रहा है, इसको कोई सुविधा किया जाए, कोई सरकार या मोदी सरकार योगी सरकार इसको कोई उपाय करे निकलने का। आपका क्या कहना है कि ये जो दूषित पानी यहाँ भरा हुआ है इससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है? इसमें महामारी बीमारी के फैलने की आशंका बनी रहती है। सुनवाई नहीं इसकी हो रही है। आज तक किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई नहीं आता, बस आता है निकल जाता है, बस प्रधान भेज देते निकल जाता है। आज तक इस संबंध में कम से कम दसों साल से पानी भरा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले का कोई हल नहीं निकला? कोई नहीं निकलता, कोई निकाल ही नहीं पाता। ये बोलता है हमारा रोड है, बोलता हमारी जमीन है, कोई बोलता हमारा निकल रास्ता निकलने की है, देख लो यहाँ से क्या किया जाए, इसके लिए कोई उपाय भी नहीं है, धूम दबा के बैठ जाती पब्लिक। ठीक है।